सागर शहर में रविवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की। आयोजन में नगर विधायक शैलेंद्र जैन, स्थानीय जन प्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारियों सहित जिले भर के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक एकात्मक मानववाद के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शहर के मोतीनगर चौराहा स्थित सरस्वती मैरिज गार्डन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी के प्रदेश महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ता देवतुल्य कार्य करते हैं और उनके सम्मान में ऐसे सम्मेलन होने चाहिए। वहीं प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वहीं एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय परिणामों में पार्टी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, खास तौर पर सागर जिले में तो कांग्रेस का सफाया हो गया। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में एमपी को मिली उपलब्धि की सराहना की है। आज सागर में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नगर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैचारिक आधार पर मजबूत हो, ये इस कार्यक्रम का माध्यम। भैया, नगरीय निकाय चुनाव में काफी अच्छी जीत मिली है, इसका साफ चुनाव है। देखिए, बहुत ही शानदार जीत मिली है नगरीय निकाय में। 40 जगह में से 38 जगह भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है और सागर जिले में तो लगभग कांग्रेस का सफाया हो गया और प्रदेश में भी सभी जगह, विशेष रूप से हमारा जो जनजाति समाज है उन सब स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी विजय प्राप्त की। स्वच्छता अभियान में भी जो स्वच्छता रैंकिंग है, उस रैंकिंग में भी जो कल अवार्ड दिए गए हैं उसमें देश में मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में अवार्ड मिला है और साथ ही लगातार 6वीं बार इंदौर देश में पहले स्थान पर है। इसके साथ साथ सागर की भी रैंकिंग ठीक हुई है और खुरई जो है वो प्रदेश में नंबर 1 पे और जोन में नंबर 4 पे। हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं और हमारे लिए हम बोलते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता। जैसे मैंने आज मैंने कहा कि 1% ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको हम कुछ पद प्रतिष्ठा दे पाते हैं, 99% कार्यकर्ता बिना पद और प्रतिष्ठा के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता, समाज के लिए काम करता। और इसलिए कार्यकर्ता पर्व शैलेंद्र जी हर वर्ष मनाते हैं। मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ता के सम्मान के लिए हैं और उनको निश्चित रूप से एक तरीके से उनके जो वो काम करते हैं तो उनको एप्रिशिएट करने का दिन भी। देश के अंदर जिन्होंने हजारों हजार कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, जिन्होंने कई पार्षद कई विधायक बनाने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया, ऐसे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का हम सभी तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और दूसरे बलिदानी थे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया और प्राण तो त्याग दिए लेकिन भारतीय जनसंघ के कभी भी झंडे को झुकने नहीं दिया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।